नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मोदी कैबिनेट से आज राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिल गई है। वहीं संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि 67.3 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी और भगवान श्री राम की स्थली पर भव्य राम निर्माण के लिए ट्रस्ट पूर्ण रूप से ऑथराइज्ड होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया गया है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने कार्य तेज कर दिया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सभी धर्म के लोग एक हैं, परिवार के सदस्य सुखी समृद्ध हों और देश का विकास हो, इसीलिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम धाम के निर्माण के लिए सभी लोग एक स्वर में अपना मत दें। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के नाम के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रस्ट के 15 सदस्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसमें एक ट्रस्ट हमेशा दलित समाज से रहेगा। तो ये थी हमारी आज की खास रूप से तरह की देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।